देखिए, सबसे बड़ी चीज हमें विद्या की तरफ बढ़ना है, सद्ज्ञान की तरफ बढ़ना है, विवेक को अर्जित करना है। और ये होगा जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उनको अच्छा संस्कार देंगे। संस्कार जो है अगर हम देते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, और संस्कार विहीन अगर हम हैं तो सब कुछ रहते हुए भी शून्य पर हम जाते हैं। अगर हमारे पास शिक्षा रहेगी हम कुछ भी कर लेंगे, बहुत सही। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम भेड़ बकरियों की तरह घूमते रहेंगे, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं बता दूं, मेरे पिताजी 1965 में के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एम काम किए। चाहे होते तो उस जमाने में अगर नौकरी की हो तो शायद आज क्लास वन अधिकारी होकर रिटायर हो जाते, लेकिन बोले नहीं हमको नौकरी नहीं करना है। इनका बिजनेस था अपना, बिजनेस किए, बोले हमको समाज के साथ रहना है, समाज में चेतना जगाना है, यही कार्य किए। हर घर में महाराजा सुहेलदेव जी का फोटो जाने के बाद लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि ये महाराजा सुहेलदेव एक राजा थे हमारे। सोमेश्वर सातपुर में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज हमें नासिक में और यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव राजभर की 1014वीं जयंती मनाई जा रही है, बड़ी धूम से मनाया गया। यहाँ पे राष्ट्रीय राजभर सेवा नासिक शाखा द्वारा ये दूसरा कार्यक्रम है, और जो काफ़ी सफल रहा, काफ़ी जनता यहाँ पे आई हुई है, और सब श्रेय राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ नासिक से पूरी टीम को जाता है। यहाँ की टीम के लोग हैं, अध्यक्ष साहब हैं, और भी तमाम पदाधिकारी हैं। तो आइए मिलते हैं और जानेंगे कितना सफल कार्यक्रम आप लोग कैसे किए, क्या तैयारियां की, कि इनका दूसरा ही प्रोग्राम था। तो हमारे साथ है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ नासिक शाखा के अध्यक्ष गुलाब राजभर जी, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ये तैयारियां आपने कैसे की, इतना दूसरे ही कार्यक्रम में आप आम जनता बहुत सपोर्ट किया आप लोगों को। धन्यवाद अखिलेश भाई, और बड़े दिल से मैं आपको स्वागत करता हूँ कि राजभर चैनल एक्सप्रेस हमारे यहाँ नासिक में आए आप लोग मुंबई से। अखिलेश भाई मैं क्या बताऊँ आपके, हमारे नासिक में जितने कमेटी के मेंबर हैं और हमारे जितने पदाधिकारी हैं, सब लोग ने बहुत 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 साथ दिया कि हमारे ये सब प्रोग्राम करेंगे, आप लोग करिए और हम लोग सपोर्ट करेंगे सबका। हमारी कमेटी का, महामंत्री का, कोषाध्यक्ष का और सलाहकार का, सब लोग का धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा प्रोग्राम है, और आगे से हो सकता है 2024 में इससे ज़्यादा बहुत बड़ा प्रोग्राम हो। आज तो 500-700 की संख्या थी, अगले साल हो सकता है हज़ारों की संख्या में होगी। इसलिए मैं आपको बहुत बड़े धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम कवरेज किए, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ बुजुर्ग चाचा जी हैं, और काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई थी कि फ़र्क बताया था कि एक समाज कैसे आगे जा रहा है, और हमारा समाज अभी वहीं का वहीं है, कुछ लोग जागरूक हुए हैं। तो एक बार और चाचा जी से आशीर्वाद लेंगे और कामना करेंगे इनके आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, और समाज के लिए कुछ नया, समाज आज जो थोड़ा जागरूक हुआ है, आगे और क्या होना चाहिए समाज के लिए, कुछ मैसेज। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हमें विद्या की तरफ बढ़ना है, सद्ज्ञान की तरफ बढ़ना है, विवेक को अर्जित करना है। और ये होगा जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उनको अच्छा संस्कार देंगे। संस्कार जो है अगर हम देते हैं तो सब कुछ मिल जाता है, और संस्कार विहीन अगर हम हैं तो सब कुछ रहते हुए भी शून्य पर हम जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे अपने लोगों से, समाज के लोगों से, कि स्वयं कष्ट सह करके भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, अच्छा संस्कार देने का प्रयास करें, यही मेरी हार्दिक इच्छा है, यही हमसे सबसे अपील करते हैं। बहुत अच्छी बात चाचा जी ने बताई कि शिक्षा पे हमें ध्यान देना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। हमारे साथ है गिरिजेश जी हैं, जो काफ़ी मेहनत की है इस कार्यक्रम सफल बनाने के, लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बात करना, एक इस मंच इस कार्यक्रम सफल बनाना। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं क्या तैयारियां की और आज इतना सफल कार्यक्रम हुआ। सबसे पहले तो राजभर एक्सप्रेस चैनल और उसके कर्ता धर्ता आप अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे हर छोटे मोटे कार्यक्रम में आप मुंबई से चले आते हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हैं।
रही बात कार्यक्रम को सफल बनाने की, तो हमारे जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ नासिक शाखा की जो टीम है बहुत ही मजबूत है। सब लोग तन मन धन से साथ रहते हैं। जब आदमी संगठित है तो कुछ भी कर लेगा। संगठन में बहुत बल होता है। हमारे टीम में एक दूसरे को प्रोत्साहित लोग करते हैं। कोई टांग खींचने वाला काम नहीं करता, अगर ये क्या कर रहे हैं नहीं हो पाएगा। यहाँ सब लोग यही बोलते हैं ठीक है कर लो, हो जाएगा। नहीं, यहाँ देखने को भी मिला काफ़ी जो सहयोग एक दूसरे को, जो अटैचमेंट है, जो एक दूसरे को इशारे में बात करना और तुरंत ऊँची जाना, बहुत मतलब एक एकता का परिचय है। सही बात है। हमारे यहाँ वही बता रहा हूँ आपको कि सब लोग एक दूसरे से मिल के कंधा से कंधा मिला के चलने वाले लोग हैं। पहला कार्यक्रम हम लोग किए थे, हमारे पास 100-200 लोग रहे होंगे। आज हमारे पास एक साल बाद करीब 500 से आदमी 500-600 लोग जुटे हैं। कोई मुझे बता रहा था 750 लोग हैं। तो हम लोग ऐसे ही, भगवान करे अगला कार्यक्रम जब मेरा होगा तब भी आप लोग आइएगा, तो देखिएगा हो सकता है हजारों की संख्या में हम लोग जुट जाएं। तो हमारी टीम बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ उपाध्यक्ष हैं अमरजीत भारद्वाज जी, उपाध्यक्ष बिरेंदर भाई साहब, कोई भी काम के लिए बोलिए बोलेंगे चलो भाई करो, हम आपके साथ में हैं। अंकलेश जी हैं, कुछ भी बोलो हम तैयार हैं। आधी रात को बुलाइए ये लोग तैयार रहेंगे, 12 बजे रात को फ़ोन करिए तो भी उठा लेंगे। तो ये सब हम लोग, बड़े भाई गुलाब भारद्वाज जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, मनीराम भारद्वाज जी हैं कोषाध्यक्ष, भानु प्रताप जी हैं, इन लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग और भी आगे जाना चाहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि अगर आप लोगों का ऐसे ही साथ मिलता रहा तो हम आगे और भी अच्छा कार्यक्रम करेंगे। साथ में हम जनता जो हमारे भाई बंधु आए हैं उनसे एक अपील करेंगे कि आप लोग नशा मुक्त हो जाइए। अगर कोई भी नशा करते हैं छोटी मोटी, उस नशा का त्याग कर दीजिए, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास शिक्षा रहेगी हम कुछ भी कर लेंगे। बहुत सही। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम भेड़ बकरियों की तरह घूमते रहेंगे, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं बता दूं, मेरे पिताजी 1965 में के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एम काम किए। चाहे होते तो उस ज़माने में अगर नौकरी की हो तो शायद आज क्लास वन अधिकारी होकर रिटायर हो जाते, लेकिन बोले नहीं हमको नौकरी नहीं करना है। इनका बिजनेस था अपना, बिजनेस किए, बोले हमको समाज के साथ रहना है, समाज में चेतना जगाना है, यही कार्य किए। आज पिताजी क्या करते हैं, कुछ कर्मकांड का काम करा लेते हैं। अभी तो पूरा जीवन गायत्री परिवार को समर्पित कर दिए और जनता समाज की सेवा में लगे हैं। तो कुछ उनका भी हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद है कि उनका आशीर्वाद है, थोड़ा हम भी उस हिसाब में थोड़ा चल लेते हैं। नहीं तो सब लोग कमाने खाने आए हैं तो समय नहीं मिलता है, लेकिन उसी में थोड़ा समय निकालना पड़ता है ताकि समाज की सेवा की जा सके। हमने भी चाचा जी से आशीर्वाद लिया कि समाज में हम लोग भी चल सके, आशीर्वाद रहेगा तो आगे चलते रहेंगे। मनीराम जी हैं जो एक यूनिटी दिख रही है, एकता में बल होता है। कैसे आप लोग इस यूनिटी को बनाए हैं आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद जी अखिलेश राजभर जी, और आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद देते हैं जो हम लोगों को इस कार्यक्रम को आप कवर कर रहे हैं। और आप इतनी मेहनत से, इतनी अपने तन मन से आए हुए हैं इतने दूर से, और उसके लिए आपको धन्यवाद। ये हमारा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के 114वीं जयंती हम बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं, जिसमें हमारे भाई लोगों का बहुत काफ़ी अच्छा सहयोग है। हमारे जैसे पदाधिकारी श्री गुलाब अध्यक्ष जी, इन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, इतना इनके मेहनत की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और फाइनेंस का जो सपोर्ट है, माननीय श्री अमरजीत भारद्वाज उर्फ गुड्डू भारद्वाज, इन्होंने एक फाइनेंस के तरह से हम लोगों की तरफ से एक तरह से पहाड़ बन के खड़े हुए हैं कि आप लोग आगे बढ़े और फाइनेंस का किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हम आपको आने नहीं देंगे, और वैसा वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनका भी हम धन्यवाद देते हैं। और इसको जैसे कि एक बोला जाता है कि आज युग मीडिया का है, जिसको जागरूक करने के लिए श्री गिरिजेश भाई लोगों को जागरूक करते हैं, एक अच्छा विचार लिखते हैं, एक अच्छी बातें लिखते हैं जो लोगों के मन में छू जाती है, और उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। साथ में श्री बीरेंद्र राजभर
पंचवटी से बिलोंग करते हैं उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री अखिलेश राजभर जो हैं शिवाजी नगर से हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है। और इसके पीछे जो हमारे छोटे छोटे भाई हैं, बंधु हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहता है इस कार्य को सफल बनाने में, और उनका भी मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद सर। हमारे साथ है सचिव हैं अखिलेश राजभर जी, और इन्होंने आज जो फोटो वितरण हुआ था महाराजा सोहेल राजभर जी की, उन्होंने यह सहयोग दिया, इन्होंने दान दिया, लोग जो लोग यहाँ आ रहे सबको एक एक फ़ोटो दिया जा रहा है महाराजा सोहेल राजभर जी का, तो काफ़ी अच्छा योगदान है। और इनके बारे में बता दें कि ये टोटली महाराष्ट्रियन हो चुके हैं, लेकिन समाज से इनका लगाव काफ़ी है। हम इनके घर पे भी गए हैं, पूरा मराठी में ही बोला जाता है, हमें मराठी आती नहीं, लेकिन समाज से जो अटैचमेंट है होना चाहिए। और आप योगदान काफ़ी है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ नासिक शाखा में, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो तन मन धन से आप नासिक शाखा को सपोर्ट कर रहे हैं, और आगे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? पहले तो मैं राजभर चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरा फोटो बांटना बोले तो मेरा कोई ये नाम कमाना नहीं है, तो हर घर में महाराजा सुहेलदेव जी का फोटो जाने के बाद लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि ये महाराजा सुहेलदेव एक राजा थे हमारे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज है उसी तरह सबको मालूम होना चाहिए कि हमारे भी कोई महाराजा थे सुहेलदेव, इसलिए मैंने वो फोटो का वितरण किया है। और आगे का प्रोग्राम के लिए जो भी सहयोग रहेगा मैं नासिक शाखा के लिए करता रहूँगा, बस इतना बोल के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है नासिक शाखा के उपाध्यक्ष वीरेंद्र राजभर जी, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इतनी काफ़ी भीड़ है, दिन रात मेहनत लगी है आप लोगों की। अच्छा अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऐसा है कि हम आपसे मिलने के बाद इतना उत्साहित है, क्या कहें, हम भी काफ़ी उत्साहित हैं कि हमारे जो समाज के लिए हमारे गुलाब भाई हैं, एक छत के नीचे अपने समाज के थोड़ा जागरूकता फैलाते हैं, और इतना भी कहते हैं कि भाई ऐसा ये चीज़ है जो धन है, ये धन बांटने से ये उत्पन्न होता है, बढ़ता है, कम नहीं होता है, दिमाग और बुद्धि जैसे कहते हैं, कोई आदमी थोड़ा सा ना अनचित है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो समझो कि आपके दरवाजे कचरा फेंक देता है रोज़, आप उठकर जाते हैं झगड़ा करते हैं ऐसा, तो अपने पति से वो बात बताती है कि देखो ऐसा ऐसा, तो बोले कि ठीक है तेरे पास कुछ है फ्रिज में फल फ्रूट, तो एक काम कर कि वो निकाल उस बाजू वाले के घर में ले जाकर दे दे, देख क्या कहती है। तो जब ये अपना फल फ्रूट ले जाकर दिए तो बोले कि क्यों, हम तुम्हारे दरवाजे पर तो कचरा फेंकते हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पास कचरा ही था तो तुम कचरा फेंकेंगे, हमारे पास है फल फ्रूट तो आपको दे रहे, उस दिन से वो कचरा फेंकना बंद कर दे। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जैसे हम कहते हैं कि जय श्री राम, राम राम, तो ये हमारे समाज में जाए, कहीं हमारे भाई बंधु मिले तो जय सुवल दे, अरे हमारे को गर्व होना चाहिए कि हम हैं, मतलब कि हम जागरूकता है हमारे अंदर है, ये चीज़ क्वालिटी है। और जाने के बाद जैसे कि हम छोटे छोटे कुर्सियाँ ये अपन इकट्ठा करके बुला लेते हैं और बैठा देते हैं, ये कुर्सी के लिए हम सोच रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक कुर्सी हो जा, जिस दिन हमारा एक भाई आवे तो कहे कि अरे ये तो हमारे बिरादर हैं, ये तो हमारे हैं, कुछ नहीं तो उसके दिल में ये चाहत उत्पन्न होगी कि कम से कम ये हमारा आंसुआ है हमारे तरफ खींचे। और जब तक जागरूकता न हो, जब तक शिक्षित न हो, तो बेचारे कहाँ से, ये आप जहाँ तक जगाते हैं, हम लोग भी गुलाब भाई के छत छाया में कुछ बोलने का मौका मिला, और जाने के बाद हम लोग भी कि थोड़ा आनंद मिलेगा कि हमारे भाई बंधु इतना एक छत के नीचे आए थे। और यही हम चाहता हूँ कि 1014वीं के बाद 1015वीं में जब हमारा उत्सव हो, जंत्री हो, तो ऐसा नारा लगे कि घर घर जो है कि अपना फोटो
रख कर महाराज सुहेलदेव का पूजा पाठ करें और पूरा भारत में ये चीज़ जाना चाहिए, दिखना चाहिए कि आज सुहेलदेव जयंती है और यहीं से हम अपने बड़े समय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये थे नासिक की शाखा की पूरी टीम थी राष्ट्रीय सेवा सेवा संघ की। एक यूनिटी के साथ चलेंगे तो हर काम आसान हो जाता है। और महाराज सुहेलदेव राजभर जी की 1014वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी।